सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जिरान महल अपने बाबा से मशवरा करने के लिए जाना चाहती हैं। हरगिज नहीं। हमारी जात पर हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे दीन हमारे नबी पर हमला करे तो हम कब्र से भी उठ जाएंगे। अगर आप चाहें तो सुल्तान के इल्म में लाए बगैर हमें यहाँ से निकाल सकती हैं। ठीक है, बंदरगाह की निगरानी खत्म करते हैं ताकि हरजल आसानी से फरार हो सके। मकबूला ने खत में महमद पाशा का नाम लिखा है हमलावर के तौर पर। बिदार की हालत बहुत खस्ता हो रही है। क्या? अगर उस नाटक को नहीं रोका गया तो तबाह बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। हमें लगता है कि आप शाही खानदान के लिए एक मौजूद आमाद साबित होंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो बाबा से इस मौजू पर बात कर लें हम। नहीं, हम अकेले ही होंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं शहजादे। हुक्मरान खानदान में आजादी के वाहिद आशिक आप हैं। बुरहानुद्दीन से शिकस्त के डर से आप में उसकी शबाहत आ रही है। ताकुब करो, नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। फरहान तैयार है? जी तैयार है। एक बड़ी खुशखबरी भी है सुल्तान। वो क्या? फ्रांस ने अपना नाटक मंसूख कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुल्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके शुक्रगुजार हैं। लिवरपूल की इस्लामी तंजीम ने आपको शुक्रिया का खत लिखा है। हिंदुस्तान के मुसलमान जश्न मना रहे हैं। अपने नबी की हुरमत का पास रखने वाले खलीफा की खैर आफियत के लिए दुआगो हैं। मिस्र में, अलजजायर में लोग खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। मेरे सुल्तान, अल्लाह आपसे राजी हो। हमारे रसूल के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। अल्लाह का करम है पाशा कि उसने हमें इस्लाम की खिदमत के लिए चुना।
क्या हम इसका रास्ता काटे पाशा? नहीं, बस ताकुब करते रहो। हर्सल, वहीं रुक जाओ थियोडोर हर्सल। हाथ ऊपर करो अपने। पलट जाओ थियोडोर हर्सल। तुम कौन हो और हर्सल कहाँ है? मैं तो बस एक कुछवान हूँ जनाब। झूठ बोलना बंद करो और बताओ हर्सल कहाँ है। मुझे नहीं मालूम जनाब, मैं तो अपने रोजगार के लिए काम करता हूँ। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। ये लो ये रखो, जिंदगी चाहते हो तो मुंह बंद रखना। फरार हो क्या बदबख्त इंसान? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा हर्सल। बैठिए बैठिए। मैं सोच रहा था तहसीन पाशा, उस्मानियों ने जिसके साथ भलाई की उसी ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा। जनाब ज़ाहरूफ, धोखेबाज इंसान की जान या उसके माल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन धोखा खुद उसी की जात को बर्बाद कर देता है जिसका इजाला नामुमकिन है। हम तो अपनी तलाफी कर लेंगे, लेकिन उनका क्या बनेगा? मगर फिर भी मुझे अफसोस है पाशा। देखिए, उस्मानियों ने सुल्तान फातेह से लेकर सुल्तान बेजाद तक यहूदियों के लिए अपनी बाहें खुली रखी, लेकिन अब वियना में मुकीम उनकी नस्लें यहां आकर अमन तबाह कर रही हैं। मुझे भी आपसे यही कहना था। आपके बारे में तमाम शकूक खत्म हो गए, मुतमईन हो जाए आप। क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी तो नहीं किया, लेकिन हमारे सुल्तान ने दो जाल बिछा दिए हैं। दो बगियां हैं और दो ही जाल बिछाए गए हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, आप पर शक की कोई वजह बाकी नहीं रही जनाब ज़ाहरूफ। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल मैं सुल्तान से इजहार वफादारी करना चाहता हूँ। जैसे ही वो मसरूफियत से फारिग होंगे आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। दूसरा जाल, दूसरी बग्घी। बेटी, टहलना बंद कीजिए और पुरसुकून हो जाइए। आइए यहां बैठिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाना। खदीजा, परेशान मत हो, भाई को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, लेकिन कैसे? बेटी, भाई को अस्पताल ले जाते हुए उनका रास्ता रोक लिया जाएगा। अगर सुल्तान मुराद को हवाले ना किया गया तो कत्ल की धमकी दी जाएगी, और फिर अगर उन्हें मार दिया वो बेजा। हुक्मरान खानदान के फर्द की जान लेना आसान लगता है आपको? उनका बाल भी बिका नहीं होगा, परेशान मत हुआ। कोचवान,
कोचवान, अब जो काम हम करने वाले हैं वो बहुत खतरनाक है। जिंदगी और मौत का मामला है, समझ लो। लेकिन जनाब, मैं तो एक कोचवान हूं, मुझे रोजगार के लिए जिंदगी खतरे में नहीं डालनी पड़ती। अल्लाह की लानत हो तुम पर। मैं कह रहा हूँ ये रियासती मामला है और तुम कह रहे हो कि मैं एक कोचवान हूँ। अपनी सोच को वसत दो, तुम्हें अजीम काम करने का मौका मिल रहा है। वहां पर हर्जल है जिससे वो लोग एक किताब लेंगे, उसके बाद उस किताब को इस बग्घी में महल ले जाएंगे। हमारे पास किताब हासिल करने का कोई मौका नहीं, ये काम खतरनाक है। खतरनाक काम हिरम ही कर सकता है, बताओ क्या करना है। हिरम, आओ यहां आओ। हिरम, वो किताब एक मसला बनी हुई है, हमें इस मसले को हल करना होगा। पाशा, तुम्हारे साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे ही रहे हैं, लेकिन लगता है अब ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये क्या बकवास है, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हटाओ इसे मेरे सामने से, अंदर रखो इसे, चलो। मेरी मौजूदगी में तुम वो किताब हर्जल से नहीं ले सकते। हिरम, तुम जिसकी पुष्ट पनाही कर रहे हो वो हर्जल आ गया है, ये खुद ही देख लो। बाबा, क्या ये आप हैं? यहां क्या कर रहे हैं आप? आप लोग कौन हैं? सुल्तान अब्दुल हमीद खान के शहजादे हैं ये, बुरहानुद्दीन आफंदी, थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल, बाबा को अफसोस है कि वो नहीं आ सके अलविदा कहने आपको, इसलिए उनके बदले हम आए हैं। सलाम भेजा है उन्होंने और एक पैगाम भी, वो ये कि आज के बाद आपकी पनाहगाह और आपके सरपरस्त सुल्तान अब्दुल हमीद है। इसराइल का ख्वाब भयानक था, भूल जाइए, होश में आ जाए और हमें बताइए कि किताब कहाँ है। किताब कहाँ है? इसे फौरन महल ले जाइए। देखा तुमने, जनाब हर्जल का खेल खत्म हो गया। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अब्दुल हमीद के पास पहुंचने से पहले वो किताब हम हासिल कर लें। तो चलो फिर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। कोचवान, आपके बाबा हमारे साथ नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो खौफ ज्यादा है। बाबा, मैं बेटा हूं आपका, आप मेरा साथ दें। आप अब्दुल हमीद के गुलाम बन चुके हैं, अपने दीन से गद्दारी कर रहे हैं। मैं यहाँ इबादत के लिए बिल्कुल आजाद हूँ। अब्दुल हमीद का रवैया हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखो बेटा, तुमसे जो कहा जा रहा है वही करो। जिस दिन इसराइल वजूद में आएगा आपका शुमार ठुकराए हुए लोगों में होगा। आप अभी तक इसराइल के ख्वाब देख रहे हैं, कहाँ बनेगा ये इसराइल? फलस्तीन में, कुद्स में। ये सल्तनत उस्मानिया है, ये है इस्लाम, ये उन मुखलिसों का मुल्क है जिसकी नुसरत का वादा अल्लाह ने खुद किया है, और इस रियासत में इसराइल के ख्वाब देखने वालों को मिट्टी में मिलाने की ताकत है। जनाब हर्जल, दुनिया को इसराइल के लिए जेल बनाने का हक नहीं है आपको। अगर आप लोग फलस्तीन में दाखिल हो गए तो यकीनन एक बड़ा जंगी दौर शुरू हो जाएगा।
मगर हम मुसलमान मौत से कभी नहीं डरते। अब आप जा सकते हैं, लेकिन सुल्ताने मौज़म के ताबे होकर जाइए। बाबा, अगर मालूम होता इतना प्यार करते हैं मुझसे तो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता मैं। आपने कुछ कहा मुझसे? मेरे बाबा एक और काम खुद करने चले गए क्योंकि उसमें खतरा ज्यादा था। बग्गी में सुल्तान मुरादी होंगे, क्या इस बात का आपको यकीन है? क्या हुआ, क्या आप डर गए? या फिर सुल्तान मुराद की दोबारा तख्त नशीनी के हक में नहीं है आम? क्या आप नहीं चाहते सुल्तान मुराद तख्त नशीन होकर अपनी जान बचाने वालों को खास मनसब अता करें? क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहते हैं। जब मैं बग्गी के पास जाऊं तो पीछे खड़े रहिएगा, बोलिएगा मत। तुम यही रुको पाशा, मुमकिन है कोई जाल हुई है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, वैसे भी मैं खतरात से खेलना जानता हूं। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। किताब पूछे तो वरना गोली मार दूंगा। जिंदगी चाहते हो तो जाओ यहां से। ये कोई चाल नहीं था पाशा। आफरीन हिरम, आफरीन। ये जाल है, सबातीन को जाल में फंसाया गया है। कोचवान जल्दी करो। पाए तख्त की यादगार के तौर पर कुछ जुमले तारीख की नजर कर रहा हूं। सल्तनत उस्मानिया की मेजबानी बहुत शानदार थी, आलीशान इस्तकबाल हुआ मेरा, बास पाशाओं से मुलाकात का मौका भी मिला, यहां तक सुना कि अब्दुल हमीद मुझे कबूल कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे इस अजीम सुल्तान से मिलने का शदीद इश्तियाक है। खेल खत्म हुआ हिरम, तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका है। उस्मान, ये तुमने क्या किया? वो बदबख्त मेरे निशाने पर था। ये जरूरी था उमर भाई? क्या जरूरी था? हाँ, मुझे जो हुक्म दिया जाता है मैं कोई सवाल नहीं करता, इताअत करता हूं। किसका हुक्म था? हाँ, तुम्हारी वजह से वो फरार हो गया। क्या ये हुक्म सुल्तान ने दिया था? जी, उन्हीं का हुक्म था। भाई, आपके हाथ उठाने का अफसोस नहीं, मगर मैं समझ नहीं पा रहा, क्या सुल्तान के हुक्म पर गुस्सा आ रहा है आपको? आखिर क्यों उस्मान, क्यों? इसलिए कि उसने जो वेटिकन से बात की है वो समझनी है हमें। और तेज चलाओ कुछवान, और तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है, सबातीन की जान खतरे में है, चलो जल्दी। मैं हूं थियोडोर हर्ज़ल, मैं उस खूनी सुल्तान का गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ।
मैं हार नहीं मानूंगा अब्दुल हमीद। पहली बंदरगाह पर उतरूंगा और वापस आऊंगा। जिस रेल मंसूबे पर काम कर रहे हो उसी में तुम्हारा ताबूत रखकर हमेशा के लिए तुम्हें इजाज़ भिजवा दूंगा मैं। कोई चलाकी मत करना, जरा भी हरकत की तुमने तो याद रखना अपनी जान से जाओगे। बेहतर यही है कि चुपचाप बैठे रहो तुम। आपको बचाने आपका भांजा आया है मामू, डरे मत, बाहर आ जाए। सबातिन, मेरा बेटा, किस मुसीबत में फंस गए बेटा तुम? जब आप वली अहद थे और तख्त नशीन चचा अब्दुल अजीज थे, एक रात एक अजनबी शख्स आपको महल से दूर ले जा रहा था। हम फिक्रमंद होकर ताकुब करने लगे। वो आपको कदुकई की एक पुरसरार इमारत में ले गया। आप फ्री मेसन तंजीम के रुकन बन गए। उसी वक्त से हमने अल्लाह ताला से दिन रात यही दुआ शुरू कर दी कि सुल्तान अब्दुल अजीज माजूल ना हो और आप कभी भी तख्त नशीन ना हो, यह ख्वाहिश थी हमारी। लेकिन गद्दारों ने चचा को माजूल करके कत्ल कर दिया और आप तख्त नशीन हो गए। इस डर से कि चचा के कातिल आपको भी कत्ल कर देंगे, आप खौफजदा हो गए, इतने ज्यादा कि हवास खो बैठे, अकल माजूर हो गई आपकी और तख्त हमें नसीब हो गया। हमारे तख्त नशीन होने के बाद दुश्मनों ने हमेशा आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की। हमने हमेशा चाहा कि आपको कोई तकलीफ न पहुंचे, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं दुश्मन की उम्मीदें भी जिंदा रहेंगी। दुश्मन चचा की तरह हमें भी कत्ल करना चाहता है ताकि आप तख्त नशीन होकर उनके मफादात के लिए काम करें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया अब्दुल हमीद। बिल्कुल किया है। आप जानते थे कि अली सवाबी आपको भगा कर ले जाएगा और तवील अरसे से आप बेखबर थे कि हमारी बहन स्नेहा और महमूद पाशा आपको हर हाल में तख्त नशीन करवाना चाहते थे। मगर वो वाकया होने के बाद हमने आपकी रहमदिली देखी। आपने महमूद पाशा और स्नेहा दोनों को माफ कर दिया। फिर ऐसा कभी नहीं सोचा। हम आपके दिल का हाल नहीं जानते, दुश्मन भी नहीं जान सकता। इस वक्त हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आपके वजूद से दुश्मन का हमला करने का हौसला हर वक्त कायम रहता है। पिछले 25 सालों से वो हमें माजूल करके आपको तख्त नशीन करने के मंसूबे बना रहे हैं और अब भी साजिशों में मसरूफ हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप अब तक वही मुराद हैं तो जालिमों की उम्मीदों को तोड़ने के लिए कफन पहन लें, और अगर इस रियासत और मिल्लत के सुल्तान बनना चाहते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन बनना चाहते हैं, अगर फ्री मेसन से कतई ताल्लुक कर चुके हैं, जालिमों के लिए रुकावट
मजलूमों की जिंदगी की उम्मीद बनना चाहते हैं तो ये पिस्तौल उठाएं और मार दें हमें। सुल्तान बनने का हक हमें नहीं आपको है। मोहतरम, हमारे प्यारे अजीज भाई, हम दोनों का खून एक है लेकिन रियासत हमारे लिए सबसे बढ़कर है। ये गोली जिसका निशाना खता हो गया, अगर कभी ऐसा वक्त आया कि इसे गद्दारी की बू आ गई है तो फिर निशाना खता नहीं होगा। अपना हाथ दें, आप उस्मानिया तख्त के सरजमीन हिजाज के बलकन की जमीनों के इराक के सीरिया के लबनान के यहां तक के पूरे आलम इस्लाम के खलीफा हैं और सुल्तान हैं। सुल्तान, हम आपकी इताअत करते हैं, आप हमारे भी सुल्तान हैं। आज हम सबके सुल्तान बन गए हैं। हम हर बात आपको बताएंगे। अंदर आइए। सबाहतीन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कैसी बेबसी है। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुझे माफ कर देना बेटा, वक्त पर नहीं पहुंच सका मैं। माफ कर देना मुझे सबाहतीन, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। अगर सबाहतीन ने मेरा नाम बता दिया तो फिर कोई चाल चलनी होगी मुझे, कोई हल सोचता हूं मैं। अब आप क्या करेंगे बताइए सबाहतीन, अब क्या करेंगे आप। शहजादे, शहजादे, अगर मैं वियना वापस गया तो सारी जिंदगी गुलामी में बसर करनी होगी। अच्छा है कि सब यही समझे कि हर्जल भाग गया। उन्होंने धोखा दिया, तख्त पर बिठाने का वादा किया था हमसे, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि वो चचा अब्दुल अजीज को मार डालेंगे ये हम नहीं जानते थे। हमने तख्त नशीन होने से पहले उन लोगों से कुछ वादे किए थे। कैसे वादे। रियासती उमूर से मुताल्लिक कुछ वादे, और आपने वही कुछ किया जो वो हमेशा हमें करने से रोकते थे। अपनी हुकूमत के चंद ही सालों में रियासत को गद्दारों से पाक कर दिया आपने। दर्जगाहें खोली, फौज की तजदीद की, खिलाफत के हकदार साबित हुए, मजहबी उसूलों के मुताबिक हुक्मरानी की, उन्हें शशदर कर दिया आपने। वो लोग परेशान हो गए, उनकी मुसीबतों में इजाफा हो गया, क्योंकि आप हमारे दादा फातेह की अक्ल, सुल्तान सलीम खान जैसी जसारत और सुलेमान अल कानूनी जैसा अदलो इंसाफ करते हैं। वो आपके इन बड़े इकदामात को भी बर्दाश्त करते रहे। उनके सब्र का पैमाना लबरेज कैसे हुआ। रेलवे लाइन, वो ये सब कुछ आपके मरने तक बर्दाश्त कर लेते, मगर दुनिया इस्लाम को इस रेलवे लाइन के जरिए आपस में जोड़ना कतन बर्दाश्त नहीं कर सके।
क्योंकि ये रेलवे लाइन उनके लिए हमलों को मुश्किल बना देगी, तकरीबन नामुमकिन ही कर देगी। आपने उन लोगों के लिए रेलवे लाइन का मंसूबा बनाकर जंग छेड़ दी है और अपनी खिलाफत की ताकत से अंग्रेजों को हिंदुस्तान में बहुत बड़ा धचका लगा दिया। उनके पास अब आपको मारने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। वो नाकाम हो गए। जब वो नाकाम हो गए तो आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने हिसस बाजार को तबाह किया। वो इसमें भी नाकाम रहे। उसके बाद आर्मेनिया को मुश्तइल किया। खुद ही बेइज्जत हुए, वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। इतनी बार नाकाम होने के बाद एक ही काम बचा है जो वो कर सकते हैं। हम उनके दरमियान रहे हैं इसलिए जानते हैं। अब्दुल हमीद, वो उस्मानी रियासत के लिए एक बाकायदा महाज बनाएंगे, ऐलाने जंग करेंगे। हर्षल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें लेने आया हूँ मैं, यहीं रुकना चाहिए हमें। अब्दुल हमीद जब तक जिंदा है तब तक यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, और यही वजह है कि मैं वापस जा रही हूँ। तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मुझे अब्दुल हमीद ने पकड़ लिया था, पाए तक से बाहर नहीं जा सकता मैं। अगर तुम्हें गुलाम बन के जिंदगी नहीं गुजारनी तो चले जाओ यहाँ से। अगर अपने राजों समेत पकड़े गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। पाए तख्त में तुम्हारे कौन से राज छुपे हैं? बाबा अब्दुल हमीद के पास हैं। बाबा? तुम्हारे बाबा जिंदा है? सुल्तान ने अगवा किया है, क्या मालूम कितना तशद्दुद किया होगा उन पर। अपने बाबा को लिए बगैर मैं नहीं जा सकता सारा। तुम अपने राजों की वजह से नहीं जा सकते या बाबा की वजह से? हर शख्स में ऐब होते हैं, खामियां होती हैं और कमजोरियां भी होती हैं। उन्हें छुपा कर रखें तो आप बहुत अच्छे होते हैं, और छुपा नहीं सकते तो फना हो जाते हैं। समझ गई मैं, तुम्हारे राज बाबा के पास है और तुम्हारे बाबा अब्दुल हमीद के पास। अब्दुल हमीद चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूं। हो सकता है मुझे कबूल करना पड़े, लेकिन सारी जिंदगी के लिए गुलाम नहीं बन सकता मैं। मुझे लगता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तुम उससे लड़ नहीं सकते हर्षल, खतरनाक है वो। नहीं, पार्व उसकी पेशकश कबूल करता हूँ मैं, उसके सामने हथियार डालता हूँ, उसकी दी हुई रकम और ताकत कबूल करता हूँ मैं। ठीक है, मैं उसकी तलवार के साथ उसकी ढाल के नीचे अब्दुल हमीद का मुकाबला करूँगा। सौदा तो अच्छा है, लेकिन शायद आप पार्व साहब नहीं मानेंगे। तुमने अब तक जो भी किया है वो उनके सामने आश्कार है। मैं एक ऐसी आग में चल रहा हूँ कि अगर मेरे बाबा मेरे खिलाफ फौज में होते तो मैं उन्हें जलाकर राख कर देता। मेरे खिलाफ मत जाओ, मेरे साथ आओ। तुम्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं है क्या? उसे लगता है कि मैं वियना में हूँ। ठीक है, अंग्रेज हमारे खिलाफ महाज नहीं बना सकते। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे खिलाफ खड़े हुए तो हिंदुस्तान और मिस्र की मुसलमान आबादियों को संभालने में नाकाम हो जाएंगे। खिलाफत को खतरे में देखकर तमाम मुसलमान बगावत कर देंगे। इस सूरत में वो फौज में दखलंदाजी करेंगे। ब्रदर मोहतरम, हम जंग लड़ने जा रहे हैं, एक वादा करें हमसे। अगर हमें शिकस्त हुई और हम मर गए तो तख्त आपको नसीब हो जाएगा। हमारी रियासत को हमारे जद उस्मान गाजी की तरह, महमद फातेह की तरह संभालेंगे। इंसाफ के साथ मिल्लत के मफादात को और रियासती इस्तेकाम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमें तख्त की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन
वो दिन अगर आया और तख्त मुकद्दर बना, हमारा वादा है कि हम आपके रास्ते से इन्हराफ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप भी हमसे एक वादा करें। ब्रदर मोहतरम, हमें निकालने की कोशिश पर बेटी खदीजा को किसी किस्म की सजा नहीं देंगे आप। उन्होंने सिर्फ वही किया जो उन्हें सही लगा। अगर आप भी हमारी जगह होते तो आपकी बेटी भी यही करती। तसल्ली रखिए ब्रदर मोहतरम। कहां जा रहे हैं? मुत्तहिद होने, मजबूत होने, जोड़ने और फिर से जिंदा होने। अगर दुश्मन हमला करता है तो उसे एक नाकाबिले शिकस्त किला मिलेगा। मेरा सर घूम रहा है सनिया, मैं बेहोश हो रहा हूँ। पकड़ो मेरा हाथ, हाथ पकड़ो मेरा। अल्लाह का वास्ता महमूद, आपको क्या हो जाता है? चक्कर आ रहे मुझे, वल्लाहि बिल्लाहि बेहोश हो रहा हूँ। आराम से, आराम से। यानी इतने बड़े आदमी हैं, वक्त के पाशा हैं आप, ये सब जेब नहीं देता ऐसे बुजुर्गों और ज़ईफों की तरह बेहोश हो जाना। सनिया, क्या हुआ है बताइए। बात अगर मेरी जात की होती तो हजार ज़र्बे भी पड़ती तो सह जाता। अगर मेरे सर पर गोलियों की बारिश भी हो जाती तो मैं कहता कोई बात नहीं, लेकिन मसला मेरे सबाहद्दीन का है। हमारे प्यारे बेटे, हमारे लखते जिगर सबाहद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनिया, ये आप क्या कह रहे हैं महमूद? क्यों बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं? क्या हुआ है सबाहद्दीन को? सनिया, हर काम का मंसूबा बना हुआ था, अब्दुल हमीद ने हमारे लिए जाल बिछाया था। क्या? सबाहद्दीन को पकड़ लिया उन्होंने, काम तमाम हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम भी खत्म हो गए। सनिहा, महमूद ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे बताइए हमें। एक ही रास्ता है कि हम महल जाएं। अगर जरूरत हुई तो इल्जाम अपने सर ले लूंगा मैं। मैं कहूंगा सबाहद्दीन बिल्कुल बेकसूर है, ये सब करने के लिए सबाहद्दीन को मैंने मजबूर किया था। आपके जालिम भाई अब्दुल हमीद की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि ऐ जालिम अब्दुल हमीद, आपने मिल्लत को दिन की रोशनी नहीं दिखाई। मिल्लत आजादी चाहती है लेकिन आपने उन्हें खामोश करा दिया। मिल्लत एक मुहज़्ज़िब मगरिबी तहजीब चाहती है लेकिन आपने जालिम मंगोलों की तरह उनके मकानात को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐ जालिम अब्दुल हमीद, आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैंने कई बार कोशिश की, मैंने दरखास्त भी की लेकिन कुछ न कर सका। ऐ जालिम सुल्तान, अब मेरा सर कलम कर दें मगर मेरा बेटा सबाहद्दीन दे दें। बहुत हो गया महमूद, बस कीजिए, बहुत हो गया है आपका ये झूठ। तंग आ गए हैं हम आपके इस बकवास ने, आखिर हमारे बेटे को मुश्किल में फंसा ही दिया। बस कीजिए। झूठ, सब झूठ है सनिहा। ये रियासत का तस्वुर झूठ है, ये खानदान झूठ है, ये मगरबी फलसफा झूठ है, ये प्यार भी झूठ है सनिहा। हाँ, आप मुंह फेर सकती हैं, अब्दुल हमीद के पास जाकर उसे बता सकती हैं कि ये सब बस एक झूठ है, लेकिन आप खुद को भी नहीं बचा सकेंगी सनिहा। अगर इस मलबे तले मैं दब गया तो आप भी दब जाएंगी, हमारा बेटा सबाहद्दीन भी दब जाएगा, भूलिएगा मत। शहजादे, मैं सारी तफसील बताता हूं। मुराद मामू, बाबा को हम जब खदीजा सुल्तान के फरार होने का बताने जा रहे थे तो आपने हमें वरगलाया सबाहद्दीन। शहजादे असल में, और फिर जब हमने मामले पर गौर किया तो अंदाजा हुआ कि इस चाल के पीछे हमारे बाबा का हाथ है। हाँ, तो क्या सुल्तान ने
शहजादे को भेजा है? नहीं सबातीन, बाबा ने यहां फौजी दस्ते को भेजा था। क्या वो मुझे कहां ले जाएंगे? आप ही मुझे मार दें। जो आजादी मेरे दिल में है, जिला वतनी या कैद उसे खत्म कर देगी। मुझे मार दें शहजादे, मुझे मार दें। चुप हो जाए सबाते, चुप हो जाए, तसल्ली रखें। ये जिम्मेदारी हमने ली थी, अकेले आए हैं, और ये कोचवान हमारा वफादार है सबातीन। शहजादे, मेरे भाई, आप क्या करेंगे? हम महल खाली हाथ नहीं लौट सकते, किसी को कुर्बानी देनी होगी। कौन कुर्बानी देगा सबाती? तो क्या मुझे नहीं बताओगी? पारवत साहब से बात की है, वो तैयार है। तुम्हें जितना भी सरमाया चाहिए उसके लिए वो तुम्हारी मदद करेंगे। सरमाया? मेरी कौम मेरा सरमाया है? हर्जल, सरमाया रवाना कर दिया गया है, पहुंचने वाला होगा बस। लॉर्ड कॉनरेड लंदन से आए हैं, बहुत ही बासर शख्सियत है। इनके ताल्लुकात बहुत ही वसी है, लेकिन थोड़े अजीब है। खुशामदीद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं थियोडोर हर्जल। इतने जल्दी हाथ नहीं मिलाता मैं किसी से, पहले कुछ वक्त तो साथ गुजार लें जनाब हर्जल, मालूम तो हो जाए कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं या दुश्मन। इस बात का अंदाजा तो हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर ही होगा। आपके पाया तख्त आने से मुझे बेहद खुशी हुई है, यकीनन हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बैठिए। सारा हदिया, आप चाहे जिस शहर में भी चली जाएं, वो तहसीब का गहवारा बन जाता है, मजीद हसीन हो जाता है। तो जनाब, पारवो साहब ने एहकामात दिए हैं रकम आपके नाम मुंतकिल करने के लिए। आप मुझे जरा अपना मंसूबा बताइए ताकि हम मिलकर काम कर सकें। बैंक बनाऊंगा मैं यहूदियों के लिए। पारवो साहब उस बैंक में आपके शराकतदार बनना चाहते हैं। बहुत खूब, पहले फंड जमा करूंगा मैं, उस फंड से फलस्तीन में जमीन खरीदी जाएगी। ये सुनकर हर यहूदी अपनी रकम मेरे बैंक में जमा करवाना चाहेगा। बात तो माकूल है। फलस्तीन में जमीन खरीदने का ख्याल तो बहुत आला है, मगर ये सब होगा कैसे? समझाता हूँ, लेकिन पहले अपने मेहमान की खातिर मतारत कर लेते हैं। वालिज ने मुझे बाहर कुछ भी खाने से मना किया है। खुदा आपको सेहत दे। वैसे हुआ क्या है? कुछ नहीं जनाब हर्जल, सिर्फ एहतियात। शहजादे अब्दुल कादिर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं उसे गोली मारने ही वाला था कि उस्मान वहां आ गया और मुझे रोक दिया। सबातीन, सबातीन आए थे मुराद अफंदी को अगवा करने। वो किताब रूसियों को दे दी और वो अंग्रेजों से मुजाकरात कर रहे हैं। उन्हें किताब देंगे और अपने जासूस ले जाएंगे। कौन कमालुद्दीन को पहचान? उनकी शादी नाइमे से हो रही है।